नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 से, जो कि है सेट्स। तो ये सेट्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्डअप करता है मैथमेटिक्स में, और एक बार अगर आपका जो बेस है वो मजबूत है तो फिर उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर आप जो अपना नॉलेज का पहाड़ है उसको खड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही है चीज़ों, तो फिर बाद में जाके इस बिल्डअप करने में और नए नए चीज़ों सीखने में बहुत मुश्किल होगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो पहला चैप्टर है, यहीं से अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ आराम से सीखेंगे। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आगे आप पढ़ोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ोगे, तो वो सेट्स पर ही बेसिस्ड बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, क्लास 12 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, तो ये सब में जो सेट्स का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, वो बहुत ही काम आएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर आगे आप जाओगे जियोमेट्री पढ़ोगे, 3D जियोमेट्री पढ़ोगे, सेट ऑफ पॉइंट्स पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन्स एंड सो ऑन, तो ये सब कुछ में सेट्स का इम्पोर्टेंस है। फिर लास्ट में जाके प्रोबेबिलिटी आता है चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो वो उसमें भी हम लोग जैसे इवेंट्स डिफाइन करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, जो कि एक सेट है। ठीक है, तो फिर ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और जैसे आप कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल उठा लो, जैसे अभी आज जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में, तो उस इलेक्शन रिजल्ट को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो या फिर रिप्रेजेंट करना चाहते हो विजुअली, तो हम लोग वेन डायग्राम्स जो पढ़ेंगे उसके थ्रू कर सकते हो। और तो कोई भी अगर आप रियल लाइफ सिस्टम है उसको आप एनालाइज करना चाहते हो, उसका एक मैथमेटिकल बेसिस बनाना चाहते हो, तो उसमें सेट्स के जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग रियल लाइफ दुनिया में अपने डे टू डे का जो हमारा ज़िंदगी है उसमें हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं काफ़ी टाइम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है, तो वो सारे के जो कलेक्शन अगर आप करोगे सबका कलेक्ट करके, या तो आप फोटो रखो सबका या फिर सबका नाम एक साथ रखो, तो वो जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। तो मान लीजिए जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, कपिल देव, फिर हमारी जो वुमेन टीम की कैप्टन है अभी हरमनप्रीत कौर, फिर हमारे काफ़ी फेमस कैप्टन, काफ़ी सारे वर्ल्ड कप जिताए हम लोगों को, तो MS धोनी। तो ऐसे करके आप पूरा कलेक्शन एक बना सकते हो इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स का, जितने लोगों ने भी आज तक इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ। ठीक है, इसमें क्लियरली डिफाइंड है कि क्या है यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। लेकिन जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा कि बेस्ट 5 इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, तो अब ये क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट 5 मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, आपके दोस्त के लिए अलग हो सकता है, सबके लिए अलग हो सकता है, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि बेस्ट 5 इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। तो कोई बोलेगा सचिन, द्रविड़, कपिल देव, सुनील गावस्कर, जोलन गोस्वामी, तो ये मेरे बेस्ट 5 है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा, कोई कहेगा नहीं मुझे तो धोनी को रखना है यहाँ पर, तो धोनी यहाँ पर आ जाएगा किसी के लिए, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो है, तो ये वाला जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ, ऑब्वियसली ये पूरा एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आप ऐड कर सकते हो जिन्होंने आज तक खेला है इंडिया के लिए। तो ये जो कलेक्शन हुआ ये वेल डिफाइंड हुआ। तो सेट्स जो होता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं, उस वो बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम लोग किसको एक सेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये हुए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, और जैसे ये हम लोगों ने देखा तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बेस्ट 5 किसका बेस्ट 5, तो अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि अभिषेक मिश्राज बेस्ट 5 इंडियन नेशनल क्रिकेट प्लेयर्स, तो मेरा बेस्ट 5 जो है, तब फिर ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बस बेस्ट 5 बोलेंगे तो किसका बेस्ट 5 वो समझ में नहीं आएगा, और फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग बेस्ट 5 होंगे। ठीक है, तो सेट्स कुछ नहीं है, बस यही वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो 10 से छोटे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो क्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर कहूँगा सेट ऑफ दी रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हमारे भारत में जितने भी नदियाँ बहती है रिवर्स, ठीक है, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी एंड सो ऑन, तो ये सारे नदी हैं। मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी ये सारे नदी बचे रहेंगे और हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक के रूप से इनका संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये सारा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, दी रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद दी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फा इंग्लिश में कितने वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, 4, 5, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो 2, 3, 5, 7, ये सारे हैं इसके फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर है, तो उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स। फिर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब एक्स की जगह पर अगर आप उसको वो वैल्यू को रखोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर आप 2 को रखोगे तो 2 स्क्वायर 4, 4+6 10, माइनस 5 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर 3 रखोगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा 2, 3, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सेट, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसी को हम लोग सेट्स कहते हैं और इस चैप्टर में हम लोग इसी को डिटेल में और आगे जानेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पहला लेक्चर है और आप शायद पहली बार हो सकता है कि मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं अभी अपना पीएचडी कर रहा हूँ न्यूरो साइंस फील्ड में, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी, म्यूनिक, जर्मनी से, ठीक है। और मैंने अपना बीटेक और एमटेक का पढ़ाई इंडिया से किया था, आईआईटी खड़गपुर से, 2011 से 2016, ठीक है। 5 साल का था बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री। अब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है ताकि मैं एक कलेक्शन ऑफ अच्छा लेक्चर बना सकूं, अ सेट ऑफ गुड मैथमेटिक्स लेक्चर क्लास 11 के लिए, ठीक है। क्लास 11, क्लास 12 मैथमेटिक्स और फिर बाद में क्लास 10, क्लास 9 का भी बनाने का प्लान है, लेकिन अभी के लिए क्लास 11, क्लास 12, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और जानना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए, या फिर ये जो है ये मेरा चैनल का लिंक है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो ये चैनल के लिंक को आप शेयर कर सकते हो, और जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे और वीडियो में आप आगे बढ़ोगे, तो आपका कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, या कुछ भी फीडबैक देना हो कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, तो वो सब आप कमेंट्स पे लिख सकते हो वीडियोज़ में, ठीक है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और मैं कोशिश करूँगा सारे का आंसर करने का। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है मुझे या फिर मेरे चैनल को, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डोनेशन लिंक दे दूंगा। तो अगर आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, ठीक है। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और कंटेंट्स देख लेते हैं कि ये जो सेट्स का चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सेट्स किसको कहते हैं, जो जैसे आज हम लोगों ने देखा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग थोड़ा नुआंसेस देखेंगे कि कहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है या फिर जो भी, तो हम लोग सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप समझते हो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो ताकि वो आपके भी समझ में आए, और फिर पूरा दुनिया के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप कैसे उस चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग मेथड से वो सारा देखेंगे, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप के सेट्स क्या हैं, एम्प्टी सेट क्या हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ये सब सारे हम लोग देखेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है सब सेट्स, कि सेट तो समझ गए कि क्या है, अब सब सेट क्या होता है, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम हो गया तो उसमें सारे मैन वुमेन सारे आ गए। अब मैं अगर बोल दूँ इंडियन मेंस नेशनल क्रिकेट टीम,
ठीक है, तो वो एक सबसेट हो जाएगा ये जो अभी बड़ा, तो ये सब सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल, वेन डायग्राम, ठीक है। ये बहुत ही विजुअलाइज करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, और फिर जैसे बाद में आप जितने भी चीज़ सीखोगे, इंटरसेक्शन, यूनियन, तो वो सब चीज़ हम लोग विजुअलाइज करके वेन डायग्राम के थ्रू बहुत सारे इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में भी जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हुआ तो वो सब में वेन डायग्राम्स बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होगा, ठीक है। फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारा। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, फिर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसके ऊपर कि हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ये सारे कोर्स में अप्रोच ये रहेगा कि सब चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझना, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है कि मैं आपको जाके बोल दूँ कि सेट्स क्या होता है तो फिर आप बस बोल दो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो रटना नहीं है कोई भी चीज़, कॉन्सेप्चुअली समझना है। जैसे आज हम लोगों ने देखा सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको रटना नहीं है, इसको बस यहाँ पे समझ लिए हैं। अब इसको इतना बार आप यूज़ करोगे कोर्स में कि वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ को समझेंगे, जैसे यूनियन हो गया, ए यूनियन बी, तो उसको रटना नहीं है कि क्या होता है वो, उसको समझना है एक बार और फिर उसको यूज़ करते रहना है। तो एक बार समझोगे फिर जैसे जैसे यूज़ करते रहोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो उसकी भी आपको समझ बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। फिर इसके साथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना और एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से स्टार्ट कर देना जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो एक्सरसाइज तो आपके बुक में ही है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही बुक है, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी वेबसाइट से। तो वो उसमें थोड़े से और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व करने का एम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आपको अगर कोई भी डाउट्स है कोई भी क्वेश्चन में तो वो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं अलग से कोर्स बनाने का भी कोशिश करूँगा जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करें और एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हमारा सारा एम रहेगा कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करें, ठीक है। और एक आखिरी चीज़ आज के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जो भी क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेसिफिकली ये एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कोर्स, लेकिन अगर कोई सीबीएसई स्टूडेंट नहीं भी है, कोई दूसरे बोर्ड से भी है, आईसीएसई, तो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्लास 11-12 का जो स्टूडेंट है वो ये चीज़ देख सकता है, ये सारे चैप्टर्स। फिर कोई भी स्टूडेंट अगर जो एग्जामिनेशंस, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे आईआईटी जेई मेंस एडवांस, या फिर जो मेडिकल का हो गया, ठीक है, नीट, तो ये सब के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। या फिर जो लोग काफ़ी जैसे बैंकिंग वगैरह का होता है, एसएससी वगैरह, उसमें भी मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव सेक्शंस होता है। फिर जीआरई का एग्जामिनेशन हो गया, जो आपका कैट हो गया, जैट हो गया, जीमैट हो गया, तो सब कुछ में जो क्वांटिटेटिव सेक्शंस होता है उसमें फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इन जनरल कोई भी मैथमेटिक्स अगर सीखना चाहे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपका उम्र कुछ भी हो सकता है, आप कितने भी बड़े हो सकते हो, आपका अगर इंटरेस्ट है, अगर सीखने का मन है, तो हम लोग बहुत ही सरल भाषा में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे, तो आप भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब और जो है फॉर्मली हम लोग सारा कॉन्सेप्ट देखना स्टार्ट करेंगे और नॉलेज बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।